गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ भारती। सुबह के बज रहे हैं 12:15 और मैं अपने घर का सारा काम करके, जो भी डेली रूटीन का होता है, तो अभी फिनिश कर लिया है। और अभी मैं नहा चुकी हूँ, लेकिन अभी पेट पूजा करनी बाकी है। और 50-50 हो रहा है, मन कर रहा है खाना खाऊं, एक मन कर रहा है ना खाऊं। तो पता नहीं क्या है, गर्मी की वजह से है या वैसे है, तो मन बिल्कुल नहीं करता खाना खाने को। और एक मन कर रहा है काम हो जाएगा, तो अभी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या खाऊं क्या ना खाऊं। तो हस्बैंड बोल रहे थे क्या बर्गर खाओगी, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाऊँगी। तो मतलब कि पता नहीं, कुछ खाने को तो मन कर रहा है लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा क्या। तो अजीब सा हो रखा है, पता नहीं ऐसे क्या है, गर्मी की वजह से, पता नहीं बारिश कब होगी और सब जो मौसम है कब वो अपनी ट्रैक पे आएगा, समझ में कुछ नहीं आ रहा। और बस ये है, घर में हो ना दो चार, एक दो और हो तो फिर तो बंदे का मन करता है कि चलो ये बना लेते हैं ये बना लेते हैं। तो दूसरे ने खाना खाना होता है तो फिर देख के बनाना ही पड़ता है ना, चाहे मन करे या ना। पता नहीं मुझे खाना बनाने में इतनी दिक्कत क्यों है, सर्दियों में नहीं है, गर्मियों में है शायद। और आज मैंने सुबह सुबह एक ऐसी शॉर्ट वीडियो देख ली जो देख के इतना रोना आया ना, छोटा सा बच्चा था शायद, न्यू बॉर्न था, तो होते ही शायद उसकी डेथ हो गई। और मतलब पता नहीं लोग ऐसे वीडियो क्यों डाल देते हैं, और देख के इतना मन खराब होता है, पूछो मत। उसके बाद तो मन ऐसे हो गया कि बस लेट जाऊं और रोती रहूं, काम ही ना करूं। फिर मैंने उसको वीडियो को बंद किया और उसके बाद थोड़ा मुझे ठीक लगा, फिर मैं उठ के घर का मैंने काम किया। तो शायद वो मैंने सुबह सुबह देख लिया, उसकी वजह से मेरा मूड ऑफ हो गया, पता नहीं, अभी देखती हूँ। रात को भी मैंने खाना बनाया, बस मैगी बनाई थी और साथ में मैंने मैंगो शेक बना लिया था। और अभी भी मैं चाय के साथ परांठे ही खाऊंगी, क्योंकि आटा थोड़ा सा पड़ा हुआ था दो रोटी का, तो मैंने उसी का एक थोड़ा सा बड़ा परांठा बना लिया है। तो बस मैं उसी को अचार के साथ खाऊंगी चाय के साथ। और गर्मी में खाना बनाने को भी मन नहीं करता और खाना खाने को भी मन नहीं। चाय बन गई है, इसमें दूध डाल। टूट चुका है तो अब इसको मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। तो टूटा, पता नहीं ये पहले से सही नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो मैं जब वीडियो बना रही थी तो इसकी ना लाइट थोड़ी सी टेढ़ी थी, तो मैंने उसको ऊपर किया और इसका ये जो यहाँ से ऐसे होता है वो निकल गया, तो निकल के टूट गया यहाँ से था। तो अभी मुझे लगता है ये जुड़ेगा नहीं है, तो पता नहीं मैं कितने ज़्यादा ये स्टैंड तोड़ती हूँ। मेरा ये फोर्थ वाला था, तो मैंने अभी तक चार खरीद लिए हैं, तो अभी ये फोर्थ वाला था। एक मेरे पास है जो ग्रीला वाला होता है ना, वो ग्रीला पाउडर। तो अभी चलिए इसको जोड़ने की कोशिश, क्योंकि मैंने ये जो रेसिप है वो भूली है। तो अभी पहले इसको उल्टा करके टिकाना पड़ेगा, क्योंकि सीधा करके पता नहीं चल रहा। तो पहले मैं इसको प्लेस करती हूँ यहाँ पे, तो यूज़ में तो नहीं आएगी, लेकिन ये है कि मैं इसको संभाल के रख सकती हूँ अपने पास। तो ये है बस, और तो कुछ नहीं, क्योंकि पूरी तरह से टूट चुकी है, तो यूज़ में तो क्या आएगी ये। मुझसे चीज़ें ना ऐसे बहुत कम टूटती हैं, जैसे कांच की हो या इस मटेरियल की, लेकिन कई बार हो जाता है ना, जो काम आपसे नहीं होता वो हो ही जाता है फिर। तो अभी इसको पलटा के इसमें डालना है मुझे।
तो मैंने बहुत कोशिश करके देख ली है लेकिन ये जुड़ नहीं रही है। मुझे लगता है कि ये और मटेरियल है तो इसीलिए शायद नहीं जुड़ पा रही है, क्योंकि टाइल तो बहुत जल्दी जुड़ जाती है। अभी मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, जिससे क्या है कि मेरे पास जो प्लेट है वो हमेशा के लिए रह जाए, कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा। तो वैसे तो कोई पॉट भी बना सकते हैं, उस पर इसको पुट्टी से या वैसे ही सीमेंट से जोड़ सकते हैं, तो लेकिन मैं चाहती हूँ कि प्लेट की शेप में ये मेरे पास रहे। तो सोचती हूँ, अभी कुछ और सोचना पड़ेगा। तो जिस दिन से ये फोल्डिंग बेड मैंने यहाँ पे लगाया है, इस पर मैंने बैठा नहीं है, तो आज मैं इस पर बैठ के चाय पीऊँगी आराम से। वैसे मैंने यहाँ पर चाय पीने के लिए या सब्जी काटने के लिए इसको यहाँ पर लगाया है, तो क्योंकि कई बार मन करता है यहाँ पर बैठने को। तो पहले यहाँ पे दीवान होता था तो वहाँ पे मैं बैठती थी, लेकिन अब है नहीं है। तो दोनों दीवान जो मेरे हस्बैंड ने ऊपर जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ रख दिए हैं, उसको बेड बना दिया है और इसीलिए यहाँ पे मैंने अपनी फोल्डिंग लगा ली है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे घर भरा भरा हो, थोड़ा मतलब कि थोड़ी स्पेस भी हो, लेकिन ऐसी जो मेन बेसिक चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, तभी घर अच्छा लगता है। अगर ये लॉबी थोड़ी और खुली होती पीछे को तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगना था, फिर यहाँ से खुला खुला हो जाना था। और चाय मेरी उबल गई है तो चाय में दूध डाल देती हूँ। आज निकली है तीन, पहले निकली थी, और एक ये क्या बोलते हैं इसे कद्दू, इसको मैं आलू डाल के बनाऊँगी। अच्छा बना था उस दिन भी, तो थोड़ा पक गया है लेकिन फिर भी उस दिन टेस्टी बना था। मन तो ये कर रहा था कि आज मैं दाल चावल बनाऊँ, लेकिन सब्ज़ी फिर ख़राब होगी, तो इस वजह से एक्स्ट्रा ही बन रही है। और ये बिस्किट मम्मी लिख रहे थे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हैं, तो मैंने बनानी है इसमें सब्जी, लेकिन पहले मैं इसमें दूध को थोड़ा सा गर्म करूँगी, मतलब कि दूध को इसमें थोड़ा सा जलाना है और जला के पूरे बर्तन में इस तरह से घुमाना है। इससे क्या है सब्जी आपकी कभी भी नीचे नहीं लगती। कुछ हर्ब्स जो मैं काफ़ी टाइम से ग्रो की हुई है और मैं पर इनको यूज़ नहीं कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने इनकी जो ये वाला है ना, इससे थोड़ा वेट लॉस होता है, तो वो ये खाए थे, उनको मैंने तीन चार दिन पत्ते तोड़ के दिए तो उन्होंने खा लिए, लेकिन बाद में फिर खाए नहीं। अभी मैं इसको डालूँगी दही में।